अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं सफीक पाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सुशील की शादी। तो देखते हैं वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। बेटा एक बात बता दे रहे तुम लोग नाराज नहीं, तुम अंदर जाओ, राजसी सुख भोगो जाके।
हम सब ऋषि मुनिया गर्मी में तपस्या कर रहे हैं। ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं एक लिए भूपा नाराज इसलिए है कि तुमने उनसे खाने के लिए पूछा सुबह के खाने के लिए। बताओ तुम क्या रसगुल्ला लेके आओ भूपा के लिए? नहीं रसगुल्ला नहीं खाएंगे। खाए कैसे नहीं लेके आओ रसगुल्ला लेके आओ खाएंगे? अरे यार हम 3 दिन पुराने बचे सड़े हुए रसगुल्ला खाएंगे क्या? हम तुमका मार बैठ चाहिए थे भूल गए जब अपनी थाली से निभाना निकाल के दही देते रहे तो खा लेते रहो चबड़ चबड़। जब तुमका साइकिल 10 किलोमीटर दूर ले जाते रहे जलेबी खिलाए भूल गए? हाँ तो सब ऐसा ना बाजी आप दिला डालना लेकिन उससे मेरा सम्मान वापस नहीं आएगा। अरे कौन अपमान हो गया? गेंदा का माला क्या है? गेंदा का माला चलो ठीक उसके बाद हाँ किसी ने देखा हमको? शादी में देखा किसी ने हमको? हाँ बहुत भरवाई तुम अच्छी थी कहाँ रहे? बता दे कहाँ थे बता दे। हाँ बताओ है हम लैट्रिन में बैठे थे पूरी रात क्योंकि पूरे गेस्ट हाउस में केवल एक इकलौती वो जगह थी जहां मेरा अपमान नहीं हुआ। किसी ने मुझे बैठने को नहीं कहा, सब अंदर घुसते चले गए लेके बरात। शादी है फूफा किनारे खड़े दरवाजे पे गेंदा माला पहने, बेटा भाई सुशील की शादी है, दुल्हन आ रही, मेरे सैया सुपरस्टार नाच गाना हो रहा। फूफा से कोई मतलब नहीं। ये वो तुमने पूरी रात प्रोपो ऐप चलाया, लाखों रुपया कमाया। इंडिया पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, वो बताओ मुझे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, कहे नहीं करना चाहिए था। इसमें ओपिनियन दो, इन्वेस्ट करो, कमाओ, सब कैटेगरी मिलेगी, क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, जितना तुम्हारा नॉलेज मिलेगा उतना पैसा मिलेगा। कुछ और कर लेंगे क्या प्रोबो क्या? अरे बहुत आसान है, सवाल मिलेंगे जिससे बताओ ऑस्ट्रेलिया एसएस सीरीज जीतेगी इंग्लैंड में। अगर हाँ जीतेगी तो बस क्रिकेट कैटेगरी में इन्वेस्ट किया, सही हुए जीत गए, गूगल पे यूपीआई वगैरह से विड्रॉल हो जाता है, चलते लाइव मैच में तो इंस्टेंट प्रॉफिट रहता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो, ₹25 वेलकम बोनस मिलेगा। मस्त ऐप है, अभी डाउनलोड करते हैं प्रोबो। नहीं प्रोबो ऐप बहुत बढ़िया, लेकिन लैटरी में तुमको नहीं बैठना चाहिए था। जब हमसे किसी ने बैठने को नहीं पूछा तो क्या हम संदिग्ध सर पे जाके बैठ जाए? नहीं के सर पे बैठे ना वही तुम गधापे वाली बात कर रहे हो। गधापे वाली बात क्या होती? शादी के टाइम खाना बन रहा था, में 3 छिपकली थी, जब खाना बन गया एक छिपकली बची, बताओ वो कहाँ चली गई? खाने में शादी वाले खाने में तो कहाँ गई बताओ ना। नहीं नहीं खाने में गिर गई, हम लोगों ने खा लिया तो हम लोग मर जाएंगे, तुम जिंदा हो जाओ क्योंकि तुमने नहीं खाया। ना खाया था ना खाएंगे, बैठे रहेंगे इस कड़ी गर्मी में, उतनी देर से बत्ती आ नहीं रही, सड़ते रहो। ये नहीं कोई आदमी अंदर से फोन करके पूछ ले क्या दिक्कत है? पावर हाउस में आग लग गई है, नहीं आएगी बत्ती। पावर हाउस में आग लग गई लेकिन जनरेटर में आग नहीं लगी है, जनरेटर लगाया जा सकता था। रिश्तेदार बिलबिला रहे बिल 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 गर्मी में, लेकिन किसी को क्या फर्क है? बहुरिया का अंदर कूलर तो सक करे भाई ले अंदर, क्या जरूरत है बत्ती की? यार इतनी देर से बत्ती बत्ती कर रहे हो, जब इंसान धरती पे आया था तब भी तो बिना पंखे बत्ती के रहता था, क्या बत्ती थी? जब इंसान नया नया धरती पे आया था तब नंगा आया था, खुद की इज्जत सम्मान की बात करते हो और दूसरों को कितना सम्मान देते हो, दूसरों को कितना बहुत इज्जत दे लेते हो, यही सम्मान है नंगे बैठो चल के। मल्ल युद्ध कई के मल्ल होता तुम लोग नहीं बता दो? चुप एकदम चुप। ये लो 51 रुपए बिच बिचवानी भैया, अवार्ड वापसी। अब हमारी इज्जत 0 रुपए की हो गई। मनाओ मेरा इज्जत लूटन दिवस मनाओ। बस करो अब, प्रमोद बहुत देर से देख रहे हैं, हाय किच किच बाजी साली फालतू की बात पे। फालतू ही तो बात तुमको लग रही है, फालतू ही फालतू की बात है, फालतू की बात। प्रमोद बेटा कोई बात नहीं, बहुत से लोग हैं जिनकी दुनिया में इज्जत नहीं है। क्या वो लोग नहीं जीते? तुम्हें भी जीना होगा प्रमोद, खुद को संभालो। हेलो, ये स्वीकार करो कि तुम अब लोगों के लिए वो फल हो जिसे दलिया से निकाल फेंक दिया गया है। हेलो प्रमोद, तुम्हें
जीना होगा, जीना होगा, ऐसे ही जीना होगा। अब तुम्हें बाउंस बैक करना। मतलब बहुत होना तो अखंडा मार देंगे, नहीं मार सकते हैं, तुम छोटे हो, मैं दिमाग खराब कर देगा। मार दू जब बरात में भिगो के गीले गोबर का सला हुआ चूसा मार दिया तो कंडा भी मार लो। क्या तुम गोबर आपने कर दिया क्या? आप पुप्पा नहीं बोलेगा भैया। क्या यार तुम्हारी अभी तक चप्पल नहीं मिली? नहीं चप्पल मिल गई, कह रहे मोटम पानी नहीं आ रहा। का पानी डालना है? हाँ। चड्डी पहने हो? चड्डी पहने हो? हाँ आऊंगा। लेकिन मोटर क्या नहीं चल रही? पहले मोटर देखिए क्या दिक्कत, क्या नहीं चल रही? अरे अरे यार उसको पकड़ो जाके, नहीं मोटर चिपक जाएंगे तभी एक आदमी लाश बन जाएगा। बत्ती नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आ गई तो? नहीं आ रही बत्ती तो कैसे आ जाएगी? जब पावर हाउस में आग लगी तो कैसे आ जाएगी बत्ती? आ गई अगर तो क्या होगा? तो तुम जिम्मेदारी लोगे किसी की मौत की? बत्ती नहीं आएगी। आ गई अगर तो मूर्ख चंद, तुम जिम्मेदारी लोगे हमको बस इतना बता दो। बत्ती नहीं आ सकती पावर हाउस में, जब आग लग गई तो कैसे बत्ती आ जाएगी तो हमको ये बता दो। नहीं बत्ती अगर आ गई तो चलो हम नहीं जा रहे भैया, मोटर सूटे नहीं जा रहे भैया, कोई दिक्कत नहीं। हम देखो तुम चलोगे, तुम छुआ के चल के मोटर। बत्ती नहीं आएगी, बत्ती नहीं आएगी, बत्ती नहीं आएगी। चलो बैठो नहीं, अभी छूले तो चल के करके लग जाते। आखिरी शादी रही थी सुशील की। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। फूफा बात सही कही गई, मात्र फूफा सही रही थी। फूफा की जय जयकार करो। नहीं हमको जय जयकारा नहीं लगवाना, बस हमको कोई दो शब्द इज्जत से बोल देता उसी मेरा कलेजा पसीज जाता। नहीं हमको लोग समझ नहीं पाते, लेकिन हम बहुत देवता आदमी देवता गर्व हो रहा है आपको। कोल्ड ड्रिंक लेके आओ बड़ी वाली। दीवारों से कही है हमसे आज तक इस घर में किसी को काम नहीं कहा है। हम मान रहे हैं यहाँ के दामाद हैं। ओह ये आदमी बड़ा होकर फूफा बनेगा। सुशील ने भाई सारे जो ड्रीम है ना उन पर पानी फेर कर रख दिया। आप देख ले के अंदर बैठ कर वो तो भाई टांगे दबार और बार सारे भाई बड़े छोटे वो बैठ कर तपसरे कर रहे हैं कि भाई सुशील ऐसा है, शादी में मुझे इज्जत नहीं मिली। एक तो बोल रहा है कि मैं वॉशरूम में बैठा रहा हूँ, देख ले शादी में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो ये चीजें मतलब उसकी सोच ही होती कि ये चीजें निकालनी है।
और उनको लेकर बैठ कर मतलब कि वो तो एक करता रहता है अपना एक शुगर मेला, मुझे पानी नहीं मिला, ये नहीं, उसने मुझे देखा नहीं है, उसने मुझे एक मतलब कि चार पाई नहीं सही दी, इस पर ही वो सारी शादी अपना लड़ाई लड़ाई में गुजार कर घर चला जाता है। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार ऐसा होता है जो एक फील कर रहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी है, तो उस हवाले से वो फिर चीजें होती है। सारी बात है शादी में सारे जो है ना वो आए होते हैं, फिर वो उसको थोड़ी फोकस करना होता है। लेकिन ये कि उसने सही बात की है कि ये बड़ा ये आदमी बड़ा होकर फूफा बनेगा, बोला कि आएगी वो, बोलता नहीं आएगी, बोलता है कि देख लो कि और ऊपर से भाई लाइट आ गई, फटका तो सारा भाई गर्व ऐसे महसूस हो रहा था कि क्या है, क्योंकि उधर जाकर मोटर को हाथ लगाते जाने लगे थे वासना। सुशील ने भाई एंड किया अपना पाउंड बाहर आता ही नहीं पता, आप अगला पार्ट जरूर देखना, मजा आया भाई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।